क्योंकि काफी कुछ है हमारी राम लाइफ कृष्ण में करने के जय लिए। राम कृष्ण यस मैम सो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। कृष्ण दिस इज द चैप्टर विच वी आर डूइंग। ऑलरेडी वी हैव डन इट्स क्वेश्चन आंसर्स। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट इट्स। वी विल स्टार्ट नंबर आई विल टेल यू, जस्ट होल्ड ऑन। यस दिस इज द फर्स्ट पेज बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पेज नंबर 110। मैम यस आपने इसके क्वेश्चन आंसर करवा दिए? हाँ, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें मैंने सेंड कर दिया, एंड इवन आई आल्सो सेंड इन द व्हाट्सएप, उस पे भी मैंने करा है, यू कैन चेक इट देयर। क्वेश्चन आंसर ए से लेके डी तक की एक्सरसाइज भी मैंने सेंड की है। So, shall I start it now? You all are ready with your pencil and book? Yes, ma'am. Okay. So, आपका क्या हुआ था कि सारी चीज मैं आपको नॉर्मली करके देती थी और आप लोग जस्ट उसको कॉपी करते थे। यस यस मैम जब आपने क्वेश्चन आंसर्स कराए थे ना मैम हमें हाँ क्लास में मैम ईवीएस के थे ईवीएस के थे इंग्लिश का बेटा मैंने मैम वीडियो वो आपको मैंने सेंड किए कर दिए थे। यस आई गॉट इट। नो मैम मैम जो आपने क्लास में किया था हमने वो मैम मैंने सेंड कर दिया आपको। अभी सेंड करा है? नो मैम पहले उस दिन ही कर दिया था। हाँ, तो उस दिन जिस जिसने सेंड करा उसको मैंने मतलब वापस से रिस्पांस दिया है ताकि उसको पता चल जाए कि मैं देख चुकी हूँ। ओके मैम मैं आज भेज दूंगा। यस मैंने भी भेज दिया था मैम। क्या भेज दिया था मैम? वाला उस टाइम। ओके नाउ आई स्टार्ट दिस एक्सरसाइज फ्रॉम पेज नंबर 110। अगर किसी ने अभी तक ओपन नहीं करा है तो प्लीज ओपन दिस पेज। सो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, आपको पिक्चर देख के, वैसे पिक्चर का इतना काम नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज के साथ क्या चीज ज्यादा फिट हो गई थी। टू काइंड ऑफ वर्ड्स है, मतलब एक तो प्रॉपर नाउन है चीजें लिखी हुई है और वो कैसी है, मतलब अगर नाउन को कोई एक्सप्रेस करता है तो वो क्या कौन एक्सप्रेस करता है? एडजेक्टिव, जो उसकी विशेषता बताता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो 1 to 6 नंबरिंग दी हुई है, दीज आर द एडजेक्टिव्स एंड दिस साइड दीज आर द, तो आप लोगों को एक दूसरे से ज्वाइन करना है। क्लियर? अभी तक तो क्या मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स और सारी चीजें करके देती थी, बट अब आप लोगों को करना है एंड आई विल चेक कि आप लोग कितना सही करते हो गलत करते हो। सो फर्स्ट वन इज ऑलरेडी रिटन हियर। कूल ड्रिंक। सो यस मैम आपने कहा था कि मैं 1 या 2 जा रही हूँ, तो है ना ये बताऊंगी कि कौन सी डेट पे कौन सा वाद भेजा है। यस बेटा, अब मैंने 1 2 का बोला था तो आज 1 है और कल 2 है, तो एक दो दिन में मैं आप लोगों को भेज दूंगी। एक्चुअली आई वाज आल्सो सो मच बिजी, तो ओके मैम इस वजह से मैं नहीं भेज पाई, बट मैं आज कल मैं आपको भेज दूंगी। क्लियर? ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को म्यूट कर लिया करो। अगर पीछे बैकग्राउंड में आप लोगों के बहुत ज्यादा नॉइस होता है तो आप लोग अपने आप म्यूट कर लिया करो। यस सो यहाँ पे क्या है, आपको प्रॉपर एडजेक्टिव को गिवन वर्ड के साथ में
मैच करना है. तो इफ आई एम, अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ, अगर सड़क है, मैं बोलूँ कि गरम सड़क, तो क्या गरम वर्ड उसके साथ मैच हो रहा है? नो मैम. नो मैम. इफ आई एम सेइंग लंबी सड़क, यस मैम. अगर मैं सड़क के लिए सुंदर वर्ड यूज करती हूँ तो वो मैच होगा क्या? सुंदर मैच नहीं होगा बेटा, क्योंकि सुंदर हम लोग ठीक है किसी लेडी के लिए बोल सकते हैं, किसी बच्चे के लिए बोल सकते हैं, किसी राइटिंग के लिए बोल सकते हैं, बट हम लोग सड़क के लिए साफ सड़क बोल सकते हैं, स्वच्छ बोल सकते हैं, बट सुंदर वर्ड हम लोग प्रॉपरली उसके साथ में यूज नहीं करते हैं. तो वैसे ही आपको यहाँ पे, यस मैम, मैं फर्स्ट का बताऊ? फर्स्ट का, ओके. यहाँ वार्म डे. एक चीज का आप लोगों को और ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने वार्म डे के साथ में यूज कर लिया तो यहाँ पे सनी भी लिखा हुआ है, उसको आप किसके साथ यूज करोगे? वार्म डे के साथ. मैंने सनी डे लिखा है. हम सनी टाइम डे के साथ में हम वार्म इसलिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने वार्म डे यूज कर लिया कि गर्म दिन, तो सनी डे हम लोग नहीं बना पाएंगे, और सनी यहाँ पे और किसी के साथ मैच नहीं होगा. तो फर्स्ट वन वार्म को हम लोग किसके साथ कर सकते हैं? यू हैव टू गिव द वार्म. मैम सैंड के साथ. वार्म सैंड. यस मैम. वार्म सैंड. गर्म मिट्टी. क्लियर. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को वार्म को और इसको सैंड को ज्वाइन करना है. So now the next word. Yes, you have done it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is warm sand. Clear? नेक्स्ट कूल किया हुआ है तो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल मेक इट क्लियर. मैम वार्म सैंड वार्म टाइम. वार्म सैंड क्लियर. फ्लफी क्लाउड. क्लाउड. फ्लफी क्लाउड. फ्लफी क्लाउड. मैम क्लाउड का फ्लफी, फ्लफी का मीनिंग क्या होता है? मैम एकदम सॉफ्ट और ऐसे फैले हुए. कैसे? मैम एकदम सॉफ्ट. यस फ्लफी मीन्स समथिंग सॉफ्ट, और जैसे रोएदार चीजें होती है ना, जैसे आप लोगों के पास सॉफ्ट टॉयज जो होती की तरह, तो फ्लफी हम यूज करेंगे किसके साथ में? क्लाउड. क्लाउड. यस. Now the Cloud. Next one. Good. Time. Man, good time. Good time. It means acha samay. Time. Yeah, so good for time ke saath match karoge. Then deep. Ma'am, deep sea. Deep sea. Ma'am. Yes. मैम ये जो फ्लफी क्लाउड सनी डे मैम वो वार्म सैंड के नीचे लिखना है के चीजें लास्ट में लिखना है? देखो कूल ड्रिंक सेकंड नंबर पे है, वो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो फर्स्ट नंबर को आप इसके बाद कूल ड्रिंक के बाद लिख लेना, और उसके बाद सीरीज से चलना, 3, 4, 5, 6 जैसे लिखा हुआ है तो उसको उसके सामने ही लिख देना. क्लियर. तो नाउ सनी, अब सनी डे के साथ में आएगा. क्लियर. That's why I told you कि यहाँ पे आप लोगों को डे को वार्म के साथ कनेक्ट नहीं करना था. हो गया यहाँ पे मैच इट? अगर हो गया है तो ये जो लिखने वाला काम है. No, ma'am. मैच कर लिया आप लोगों ने प्रॉपरली? No, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Okay, so shall I move to the next slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. My work is done. Okay. Now come yes, to ma'am. Page. Write the short forms of these words. Choose from the box. अब बॉक्स में आपको इनके शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं. शॉर्ट फॉर्म्स कई बार क्या होता है कि सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो हम लोग पूरा लॉन्ग नहीं लिखने की जगह उसे शॉर्ट में लिख लेते हैं. क्लियर? स्कूल में इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं वो बताती हूँ. अगर आपको प्रिंसिपल ऑफिस जाना है, सपोज आपकी क्लास से थर्ड क्लास आपको पता लाइब्रेरी के पास में है. आई थिंक यू ऑल रिमेम्बर, आप लोग इस बिल्डिंग में नहीं आए हो ज्यादा, लेकिन इतना आपको पता होगा कि लाइब्रेरी कहाँ पे है. उसके पास में थर्ड क्लास, थर्ड क्लास थर्ड के पास आगे. हम लाइब्रेरी में गए थे तब हमने देखा था. ओके, मैं आया हूँ. तो अगर आपको आपको बोला जाए कि थर्ड आपकी क्लास से आपको प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है तो दो स्टेयरकेस है, एक उधर स्टाफ रूम के साइड से नीचे उतरता है और एक हम आपका यहाँ लाइब्रेरी साइड से नीचे आता है. तो आप कौन सा यूज करोगे? मैम लाइब्रेरी साइड. लाइब्रेरी साइड क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा. क्लियर? अगर आपको उधर से जाना है तो क्या करना पड़ेगा कि आप पहले पूरा उसको कॉरिडोर को क्रॉस करके देन आप वहां से नीचे उतर के फिर वहां से प्रिंसिपल ऑफिस, वो थोड़ा लॉन्ग होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, वो चीज चूज करते हैं जो थोड़ी शॉर्ट हो, जब हमें वो चीजें समझ में आ जाती है उसके बाद. अगर आपको नहीं पता हो दोनों रास्ते तो आप लॉन्ग भी यूज करोगे. बट इफ यू आर हैविंग लिमिटेड टाइम कि आपको कम समय में वहां जाना है तो आप छोटी चीज को यूज करोगे. वैसे इंग्लिश में क्या होता है, जब आप चीजों को सीख जाते हो, ग्रामर भी अगर आपको समझ में आने लग जाती है तो आपके उसके शॉर्ट फॉर्म भी यूज करना शुरू कर देते हो. जैसे अभी आप लोग बोलते हो डिड नॉट का क्या होता है, डिडंट हो जाता है, वो डिडंट नहीं होता है. क्या होता है? डिडंट. डिड नॉट अगर आपको शॉर्ट में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? डिडंट बोलोगे उसे. क्लियर? ये काफी बच्चे गलती करते हैं, वो डिडंट बोलते हैं. डिडंट इज नॉट द करेक्ट वर्ड. क्लियर? तो यू कैन सी हियर कॉन्ट्रेक्शंस हैं ये. जब हम इनको छोटा करके लिखते हैं तो हम इन्हें कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं. एंड द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इज, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या होता है? It means कि किसी भी चीज को छोटा कर देना, प्रेस कर देना, या फिर कोई चीज सिकुड़ जाती है ना, जैसे कोई कपड़ा होता है वो सिकुड़ जाता है तो क्या होता है, छोटा हो जाता है. तो वैसे ये वर्ड्स भी सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं. तो इफ यू वॉन्ट टू राइट आई विल, आपने कई पोएम्स में और देखा होगा आई विल पूरा नहीं लिखा होता है, ऊपर यहाँ पे ये कॉमा आ जाता है और डबल तो द सेकेंड वन यहाँ पे क्या लिखोगे? के लिए आप ये वाला यूज करोगे. राइट इट नाउ जानवी, व्हाट यू आर डूइंग बेटा? सो शी विल, देन ही विल, ही माय वर्क इज डन. Okay, okay. If you have done, फिर इधर आ जाएगा he will. Clear? तनु. फिर next है was not, wasn't. हम लोग इसे एक साथ जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे wasn't. तो यहाँ पे ये वाला यूज होगा फोर्थ में. सेकेंड डजन. सेकेंड का शी विल, ये शी शी और विल का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज हो जाएगा. मैम व्हाट हैपेंड? मैम फोर्थ का क्या है? वेट वेट मैम थर्ड का क्या है? थर्ड का बता रही हूँ, जस्ट होल्ड ऑन. शी विल,
ठीक है, ये सेकेंड नंबर है, तो ये शी विल के लिए हम लोग ये वाला यूज करेंगे. देन ही विल, और ही विल फिर उसके बाद है फोर्थ का क्या है, वाज नॉट. तो वाज नॉट के लिए क्लियर योगेंद्र, नो नीड टू डू एनीथिंग ऑन स्क्रीन बेटा. फिर डजंट, दिस इज फिफ्थ नंबर. एंड देन लास्ट इज नॉट. तो इज नॉट विल यूज इजंट. क्लियर? यस मैम. नाउ द नेक्स्ट वन, स्पेल वेल. Say the word huge aloud. The long U sound. जब हम कुछ words बोलते हैं उसमें कोई एक particular sound बहुत लंबा हम खींच के बोलते हैं. तो यहाँ पे long sound वाले words हैं. With A U in the middle and E at the end. U middle में use हो रहा है लेकिन जो E है वो last में use हो रहा है, इसलिए हम जो U का sound होगा उसको थोड़ा खींच के बोलेंगे. Clear? Fill in letters to make similar words. First वाला यहाँ लिखा है fuse, F U S E. Can you tell me second में क्या आएगा? E E. M U L. M U L. Mam. M U L E. Mule. 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 जब आप mule बोलते हो तो U जो है वो थोड़ा write down here M U L E. The fifth answer is the cube. पहले मुझे mule का मतलब बताओगे? What is the meaning of mule? M U L E. देखो आपको मैं इसका बताती हूँ. ये दो चीजें होती है, एक म्यूल होता है एक मोल होता है. मोल तो वो होता है जो आपके बॉडी पे कोई तिल का निशान होता है, दैट इज कॉल्ड मोल. क्लियर? म्यूल होता है, आपने खच्चर देखे हैं वहां पे जब वैष्णो माता या फिर कहीं पे जाते हैं तो वो घोड़े और मतलब गधे के जैसे जो होते हैं जिसपे सामान ढो के लेके जाते हैं या कोई भी बैठ के ऊपर तक जाता है. आई थिंक आपने देखा होगा घोड़े और गधे के बीच का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग म्यूल बोलते हैं. और हिंदी में हम घोड़े का घोड़े का बच्चे को भी कहते हैं. घोड़े के बच्चे को भी घोड़े के बच्चे को हम म्यूल नहीं बोलेंगे. ये ना तो घोड़ा होता है ना गधा होता है, उसके बीच का होता है और नॉर्मली दिखने में ऐसा होता है, हाइट छोटी होती है और इसको सामान ढोने के लिए काम में लिया जाता है. इट्स एन एनिमल. ये एनिमल है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थ्री, ट्यून. ट्यून, T U N E, ट्यून. ट्यून तो आप सबको पता ही है. किसी भी चीज मतलब कुछ भी जो सी आवाज सुनाई देती है. क्या होगा? ट्री. आपको पता है कि यहाँ पे आपको यू तो यूज में लेना ही है, तो ये होगा ट्यूब. ट्यूब मैम. ट्यूब यू मैम. ट्यूब बी ई. वेरी नाइस बेटा. योगेंद्र आपने तो करे मैं बेटा, आपने आंसर नहीं दिए. सो दिस इज ट्यूब. फिर नेक्स्ट फिफ्थ वन है कब होता है? दिस इज क्यूब. सी यू बी ई. आपको यू भी यूज करना है और लास्ट में जो वर्ड एंड होगा वो ई पे एंड होगा, वो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है. क्लियर मैम? नेक्स्ट है क्यूब. तो द नेक्स्ट cute. Cute. When you pronounce this word, आप यू पे प्रेशर डालते हो. क्यूट. क्लियर? क्यूट.
सो दिस इज क्यूट. आई थिंक इतना हो गया आप लोगों का. ओके नाउ द नेक्स्ट वन. राइट दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. लुक एट द फर्स्ट थ्री लेटर्स ऑफ ईच वर्ड. आपको क्या करना है, डिक्शनरी अगर आप लोगों ने देखी होगी वहां पे आपको कोई भी वर्ड ढूंढना होता है तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है. पहले ए से सारे वर्ड होते हैं, फिर ए बी वाले होते हैं, फिर ए बी सी वाले होते हैं, फिर ए बी डी वाले होते हैं, ऐसे. तो जैसे सी से अगर वर्ड आप ढूंढ रहे हो तो पहले सी ए वाले सारे वर्ड्स आएंगे, फिर सी बी वाले आएंगे, फिर सी सी एम ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू तो वोवल होते हैं बेटा, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है. हम लोग अभी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग वोवल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. तो व्हेन यू फाइंड दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी, ये जो स्टार्टिंग के जो वर्ड, मेरे पास है डिक्शनरी. यस, तो उसमें आप लोग इस चीज को नोटिस करना कि इनमें से कौन सा वर्ड है डिक्शनरी में आपको पहले मिलेगा. कंट्री, कलर, कॉर्नफील्ड, कॉम, पहले कौन सा मिलेगा? मैं लाऊं? नहीं, ढूंढना नहीं है, मैं आपको तरीका बताती हूँ. आप ये देखो चारों वर्ड सी ओ से स्टार्ट हो रहे. यस मैम. तो यहाँ से तो आप पता नहीं कर सकते. आप थर्ड वर्ड देखो यू एल आर एम, इनमें से पहला कौन सा है अल्फाबेट्स में? एम. एम एल नहीं आता क्या? एल एम एल आर यू. पहले एल आर, एल एम आर यू. कलर पे आप फर्स्ट नंबर लगा दो क्योंकि कलर आपको सबसे पहले मिलेगा. एम यू एल. फिर एल एम, एल के बाद एम आता है. सो यू हैव टू एम यू एल ई राइट. सेकेंड इसका मतलब क्या होता है? थर्ड नंबर पे आएगा कॉर्नफील्ड, जूम पे चल रहे. और फोर्थ नंबर पे कंट्री. तो कनेक्ट कर दिया ना. तो मैम नेक्स्ट में फर्स्ट स्टॉल, स्टॉल मैम, स्टॉल पे स्टॉल. यस. सेकंड, सेकंड है आई. सेकंड है आई. सेकंड है मैम स्टिक. मैम स्टिक सेकंड नंबर पे आएगा, स्टिक. थर्ड नंबर, थर्ड पे ओ मैम. स्टोरी, स्टोरी, स्टोरी. आप सबको समझ रहे हैं? फोर्थ नंबर स्ट्रेंज. फोर्थ नंबर स्ट्रेंज मैम. फिफ्थ नंबर स्टफ. फिफ्थ पे आएगा स्टफ. Stuff. Yes, stuff हम बोलते हैं किसी भी चीज को, हम stuff बोलते हैं. उसका ये पास भरना, मतलब मैम किसी के भी अंदर भरना आने में. तो आई होप आपको हो गया. Yes, ma'am. हो गया. Now, once I stop the screen, screen को stop. For attendance. So I'll take the attendance. 22 students are there right now. Sit properly when I take the attendance. Everyone. Yes, now again I share the screen. मैम आई मैंने वो थर्ड वाला उसमें फिफ्थ
स्टिक सेकंड पे आएगा क्योंकि ए के बाद आई आता है बेटा, इसलिए स्टिक सेकंड नंबर पे आएगा. क्लियर? नाउ कम द ग्रामर पोर्शन. नाउ यहाँ पे आज हम कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंजंक्शंस क्या होते हैं. क्लियर? सो आई स्टार्ट द रीडिंग फर्स्ट. डॉर्थी वॉज इन द लैंड ऑफ ओज. द स्केयरक्रो वॉज इन द लैंड ऑफ ओज. Dorothy and the Scarecrow were in the land of Oz. अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि Dorothy कहाँ, कौन से लैंड पे थी? Oz के लैंड पे थी. Land of Oz. फिर सेकेंड लाइन में लिखा है कि Scarecrow था, वो भी Oz के लैंड में था. Land of Oz. थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है. इन दैट सेंटेंस दोनों का नाम एक साथ लिख दिया क्योंकि दोनों एक ही जगह थे, तो हमें अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है कि अब जैसे सपोज यू आर गोइंग इन सम पार्टी, आप बोलते हो कि मैं पार्टी में था, मेरा फ्रेंड भी पार्टी में था, उसकी जगह आप बोल सकते हो ना मैं और मेरा फ्रेंड पार्टी में थे. क्लियर? फॉर दैट थिंग वी यूज कंजंक्शन. यहाँ पे देखो, डॉर्थी एंड द स्केयरक्रो वर इन द लैंड ऑफ ओज. इट मीन्स ये जो एंड वर्ड है इसने दोनों सेंटेंस ज्वाइन कर दिया. क्लियर? दोनों सेंटेंस को मिला दिया है. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड एंड इज यूज्ड टू ज्वाइन द फर्स्ट टू सेंटेंसेस. रीड सम मोर सेंटेंस. अब आगे वाले सेंटेंस पढ़ते हैं. डॉर्थी वांटेड टू गो बैक टू कंसर्स कैंसस. इसको आप कैंसस भी और या कैंसस भी प्रोनाउंस कर सकते हो. अमेरिका में एक फार्मर फर्स्ट मेक द स्केयरक्रोज ईयर्स और इट्स माउथ. अब यहाँ पे जो ये वर्ड्स यूज किए हैं, आप देखो यहाँ बिकॉज है, इधर बट, और यहाँ पे और. ये जो वर्ड यूज किए है बीच में, इनको हम कंजंक्शंस वर्ड बोलते हैं, जो हमारे सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. क्लियर? वर्ड सच एज एंड, बट, और, बिकॉज एंड आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. यस यस वेदांशी. Yes, Vedanshi, would you like to ask something? मैं मुझे question answers WhatsApp पे मिले नहीं. Okay, no problem. मैंने बोला ना मैं आपको एक दो दिन में मैं भेज दूंगी कि मैंने कौन सा काम कौन सी डेट पे सेंड किया है, so you can find out. Clear? So यहाँ पे हम इन सेंटेंस को जो बीच में ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, इनको हम conjunctions बोलते हैं. Now let's move to its exercise. ये इसकी एक्सरसाइज है एंड आई होप आज इतना ही हो पाएगा हमारे कंजंक्शन की एक्सरसाइज तक. इतना हम कर लेते हैं कंप्लीट. नेक्स्ट हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद कंजंक्शंस फ्रॉम द बॉक्स. एक बॉक्स दिया हुआ है, यू कैन सी हियर, एंड, बिकॉज, और, सो, बट. आपको इन वर्ड्स को यूज करके इस फिलअप्स में यूज करना है ताकि ये मैच हो. फर्स्ट है माय सिस्टर गोपा इज टॉल स्मार्ट. बट स्मार्ट नहीं, बट नहीं आएगा. टॉल एंड यहाँ पे एंड आएगा क्योंकि वो लंबा भी है और स्मार्ट भी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एंड एंड एंड. सो यू हैव टू राइट डाउन. मैं नंबरिंग कर रही हूँ, आप लोग इधर लिख लो. क्लियर? सेकेंड है, डू यू वॉन्ट अ पेन
and a pencil or, dash a pencil or pencil क्या तुम्हें पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए तो या के लिए हम यूज करेंगे और क्लियर इट वॉज रेनिंग डैश द चिल्ड्रन प्लेड आउट इसलिए So, इसीलिए बच्चे बाहर खेल रहे थे क्लियर नहीं बच्चे अंदर खेल रहे थे इनसाइड लिखा हुआ है यहाँ पे Now the fourth one. Sam is talking part in a play. Kim third pe kya aayega? Third maine yahan pe mark kiya na beta so. Fourth is Sam is talking part in a play because he loves usne play mein drama mein part isliye liya kyunki use acting karna pasand hai. To yahan pe aayega because. But अब है द किड्स वर स्लीपी बट दे वांटेड टू लिसन टू ग्रैनी स्टोरी बच्चों को नींद आ रही थी मतलब बहुत उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उन्हें नींद आ रही है बट वो अपनी ग्रैनी की स्टोरी को सुनना चाहते थे तो यहाँ पे आप यूज करोगे बट लेकिन बट यूज करेंगे लेकिन उसके लिए क्लियर आपने व्हाट्सएप पर कितने आंसर सेंड किए तो नहीं किए हैं वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी डेट पे आपको चेक करना है एक चीज ये के मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ यूज द कंजंक्शंस गिवन इन ब्रैकेट्स टू जॉइन दीज वर्ड्स यस जो ब्रैकेट में यहाँ पे कंजंक्शंस ये तो यूज करके नहीं नीचे जो ये दिए हुए ब्रैकेट में उसको यूज करके आपको जॉइन करना है और बुक में ही आपको Have to write this in the textbook. यहीं पे जो ये space है, यहाँ पे आपको इनके answers लिखने हैं दोनों को join करके. And this is your today's homework. Is it? समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Okay, मैं एक बार पूछ लेती हूँ. जैसे है, would you like to have juice? Would you like to have lassi? यहाँ पे क्या आएगा? You can join it. आपको और use करना है, तो आप लिख सकते हो. Would you like to have juice or lassi? नेक्स्ट जो है मैम ये क्या करना है इसका अभी जैसे ये कंजंक्शंस हमने ये वर्ड्स यूज करे ना बेटा इन्हीं वर्ड्स को देखो यहाँ ब्रैकेट्स में दिया हुआ है तो वो वाले वर्ड्स यहाँ यूज करके दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है अगर आप लोगों से हो जाए देन यू कैन डू इट ओके मैम इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस मैं आपको बाद में इसका पीडीएफ भेज दूंगी क्लियर अभी नहीं भेजूंगी अभी तो ये आपको दे रही हूँ सो यू हैव टू डू इट क्लियर आपको अपने आप करना है अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट जब भी नेक्स्ट चांस आएगा तब